उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हुई हिंसा का नुकसान चुनाव में ना हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व अभी से एक्टिव हो गया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष और यूपी चुनाव के लिए बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान लखीमपुर खीरी से जुड़ी हर गतिविधियों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। यूपी चुनाव से ठीक पहले हुई इस घटना से बीजेपी को नुकसान हो सकता है, जिसका फायदा विपक्षी दल हर हाल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी इस बात पर भी फोकस कर रही है कि लखीमपुर की घटना के बाद विपक्ष प्रदेश के माहौल को और खराब ना कर पाए। अंदर खाने की खबर ये है कि बीजेपी ने तय किया है कि कांग्रेस पर खास तौर पर पलटवार किया जाए, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस ने अपने मुख्यमंत्री और दूसरे नेताओं को यूपी भेजकर लखीमपुर खीरी की घटना का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की है। एक वरिष्ठ बीजेपी नेता ने कहा कि ऐसा करके कांग्रेस ने गलत परंपरा की शुरुआत कर दी है। उन्होंने कहा, सोचिए अगर हम उनके राज्यों में बिगड़ी कानून व्यवस्था के बीच अपने मुख्यमंत्रियों को भेजना शुरू कर दें। हर चीज पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। सरकार ऐसे अवसरवादी राजनेताओं को माहौल खराब करने की इजाजत नहीं दे सकती।